यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग गाइज यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ गाइज मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर एक ही टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आपने जैसे पिछले एपिसोड में आपने देख लिया था यार कि अपना माइकल दादा जो हमारा प्लान के मुताबिक जो डॉन टू वाला हमारा प्लान था दोस्तों, हमने उस हॉस्पिटल के ज़रिए मरीजों के ज़रिए और उस एम्बुलेंस के ज़रिए जेल से जो एस्केप कर लिया था। फिलहाल अब दोस्तों एक बहुत ही सुहावना दिन है लॉस सैंटोस के अंदर। मैं अपने प्लेबॉय मेंशन में हूँ गाइस, और प्लेबॉय मेंशन में होने के साथ साथ मेरे जितने भी यहाँ पर दुश्मन वगैरह थे, डगन बॉस था और यहाँ पर वही जो माफिया वगैरह था, जिमी का ससुर था, सब ख़त्म हो चुके हैं सब। अब यहाँ पर कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। डगन बॉस ने मेरे बैंक में जो है भाई पैसे लगवा दिए थे और पैसे मेरे पास आ चुके हैं। भाई बस तुम्हारा भाई ना यहाँ पर सिर्फ मज़े ले रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मज़े, समझ रहे हो आप। अब सिर्फ टाइम है दोस्तों मज़े लेने का, अब यहाँ पर फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि आपको पता है यार गाइस, अब तो तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा अमीर हो गया है दोस्तों। अब खैर भाई क्या ही बताऊँ यार, अब मैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है। खैर ये कोट पैंट जिमी के लिए सिलवाया था, उसने पहना नहीं है, पता नहीं क्या बेवकूफ़ बच्चा है यार, नहीं पहना तो मर्ज़ी है भाई इसकी। तो गाइस अब तो तुम्हारा भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। अपनी सारी की सारी दोस्तों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरी फरारी, मेरी रोल्स रॉयस, और यहाँ पर मेरी AK-47 फरारी, ये एक फैंटम कार है पता नहीं कोई ऐसी थी, और ये लिम्बोसिन जो डगन बॉस ने यहाँ पर दी थी भाई, प्योर गोल्ड में खड़ी कर रखी है मैंने। प्योर गोल्ड तो देखो यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं प्योर गोल्ड में गाड़ियों को यहाँ पर ज़्यादा रखता हूँ। तो प्योर गोल्ड में आपको मेरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। बाकी वो जिमी की वाली खड़ी येलो कलर वाली है तो सारी भाई तुम्हारे भाई की, बस जिमी का ऐसा नाम है कि उसके ससुर ने भाई उसको दी थी, है ना। चलो तो गाइज आज सबसे पहले, अभी तो हमें चलना है सबसे पहले सीक्रेट बेस चलते हैं, और वहाँ पे जो पैसा वैसा रखवाया था भाई एक बार उसको भी देख लेते हैं जाकर के। पैसा वैसा भाई जूगा तो वहाँ पर रखा है ना कि कुछ कभी छेड़खानी तो नहीं होगी इसके अंदर, है ना, समझ रहे हो आप। और आज मैं जो है अपनी AK-47 ही लेकर चलता हूँ, इसी में ज़्यादा मज़ा आता है यार, रोबोट्स की बैटरी डाउन हो जाती है दोस्तों, इनका कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा गाइज। चलो आराम से, बहुत प्यार से निकालूंगा मैं गाड़ी को। चलो 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 चलो, और गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो पर हम लाइक गेम करते हैं पूरे के पूरे 10,000 लाइक्स का। आई होप कि आप लाइक गेम को दोस्तों कंप्लीट करवा ही दोगे, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से आराम से निकालते हैं गाड़ी यहाँ से। चलिए देखो AK-47 अपनी बहुत ज़्यादा गजब की चलती है, पर इसको बहुत प्यार से चलानी पड़ती है दोस्तों। शहर के इसका पिकअप बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, और बहुत गंदा पिकअप है, तो इतने खतरनाक पिकअप से ना दोस्तों बंदे की जान जाती जाती है। तो इस वजह से हमें गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार से चलानी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो जल्दी चलते हैं यार। तू लग दिया लैम्बो कार मैं तेरा हो जाऊं, लग दिया लैम्बो कार मैं तेरा हो जाऊं। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच गए हैं भाई अपने सीक्रेट बेस पर, और सीक्रेट बेस पर आने के बाद तो फिलहाल चलो यार सर जी आगे ले लो, हाँ नहीं तो यहीं पर खड़े करोगे भाई। कोरोना के पेशेंट हैं अपने यहाँ पर, देख रहे हो मस्त अपने कोरोना के पेशेंट रह रहे हैं आराम से, इतनी ज़्यादा तेज जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से, क्योंकि यार गड्ढों वाला इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है गाड़ी को चलाते, इसलिए बहुत आराम से आता है तुम्हारा भाई। चलो खोलो, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है ना दोस्तों सारी की सारी कवर डालकर खड़ी करता हूँ मैं सारी की सारी गाड़ियों को, ऐसे में छोड़ता ही नहीं दोस्तों, क्या ज़रूरत है ना। चलो अब जल्दी से चलते हैं भाई, और देखते हैं यहाँ पर भाई अपना पैसा वैसा जो है यहाँ पर बिल्कुल ओके रिपोर्ट रखा है या भाई फिर कुछ हुआ गया अपने पैसे को हैं दोस्तों। भाई देखना तो गाइस खैर पड़ेगा ही ना, अपना चलते हैं यार। एक तो पता नहीं ऊपर से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, ये हवा की आवाज़ है दोस्तों। चलो अरे भैया ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं भाई अपने सीक्रेट बेस पर। सबसे पहले हम एक यहाँ पर कोक पियेंगे, और आपको हमारी ये वाली लोकेशन दोस्तों कैसी लगती है एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। खैर दोस्तों अपना यहाँ पर हम पैसा रख सकते हैं, अपनी चोरी की गाड़ियाँ रख सकते हैं, ऐसा ऐसा सामान रखता है ना, तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है। अपना चलते हैं अंदर। ऑलराइट ओके, तो गाइज मैंने आधे से ज़्यादा पैसा दोस्तों यहाँ पर सोने में कन्वर्ट करा दिया था, तो सही है भाई, मेरा पूरा का पूरा प्योर सोना भाई यहाँ पर ठीक का ठीक रखा है, देख लो आप सब कुछ सही रखा है गाइज। और पैसा तो भाई अपना झूका तो ही है, ठीक है ना। आधे लाइन दोस्तों ख़त्म हो गई थी, वो तो अच्छा हुआ भाई यहाँ पर भर गई दोबारा। बाकी माइकल के दादाजी, पूर्व जी है दादाजी, और ये छोटा सा दोस्तों माइकल, देख रहे हो भाई
छोटा सा माइकल और इसके पूर्जी है दादाजी, पूजनी है, हाँ पूजनी है दादाजी। और ये देखो भाई पबजी के लवर है ना, तो पबजी के फोटोज लगा रखे हैं। बाकी अपने दोस्तों गन्स वगैरह तो यहाँ पर एक नंबर रखे है, ये बुलेट्स गिर गई, खैर कोई नहीं। ये देखो एक एक सोने की ईटी दोस्तों इतनी भारी होती है, देख रहे हो भाई साहब कितनी सारी है यहाँ पर। तो चलो हो गया गाइस ये वाला काम तो, ऑल राइट चलो निकलते हैं। बस एक बार ऐसे दोस्तों चेक करना तो आना ही पड़ता है ना अपना, है ना। चलो पूरी की पूरी पासवर्ड प्रोटेक्शन है अपना भाई, यहाँ पर अपना बैठो आराम से चिल विल करो, ठीक है। कुछ नहीं है जस्ट ऐसे थोड़ा सा वो था। अब यहाँ पर मेरे कपड़े भी रखे हैं, खैर अब चेंज करने का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। वैसे यहाँ पर आज गर्मी इतनी हो रही है दोस्तों, ठीक है ना, अपना निक्कर में ही घूम रहा हूँ दोस्तों। जून का महीना चल रहा है तो निक्कर में ही दोस्तों यहाँ पर मज़ा आता है, और यहाँ पर और किस चीज़ में दोस्तों आता भी नहीं, ठीक है। बाकी यार यहाँ पर मैंने ना एक ये देखो अजगर रख रखा है, जो कि भाई मेरे दुश्मनों को निगल जाएगा अजगर, इसीलिए मैंने अजगर रख रखा है दोस्तों, मेरे दुश्मनों को निगल जाएगा, वरना भाई दुश्मन ना मेरे नाक में दम कर रखा है दोस्तों यहाँ पर। चलो दुश्मन बहुत बड़े हरामी हो रहे हैं मेरे। चलो तो गाइस फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं जो है भाई अपना शोरूम की गाइस यहाँ पर तैयारी करने वाला हूँ, और जो मुझे यहाँ पर डगन बॉस ने पैसे दिए थे ना भाई, उनसे मैंने इंडियन व्हीकल्स परचेज कर लिए, ठीक है। 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर परचेज़ की हैं, और 1000 ही होंगी दोस्तों पूरी की पूरी, सारी की सारी किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा, हुंडई i20 वेन्यू, और भी स्कॉर्पियो वगैरह, सफारी, और बहुत सारी कार्स दोस्तों मैंने यहाँ पर परचेज़ की इंडिया की सैंपल के तौर पर। आज जो कार्स आने वाली हैं तो भाई मैं उन्हें ही रखूँगा यहाँ पर। चलो फिलहाल तो अपना सीक्रेट बेस भाई एक नंबर है, यहाँ पर कुछ भी करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो क्योंकि गाइस अब यहाँ पर करते कि ही क्या है ना, चलो अब निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। तू लग दिया लैम्बो कार, देख रहे हो भाई एक स्क्रैच नहीं आता लैम्बो के ऊपर। लैम्बो होनी चाहिए तो दोस्तों ऐसी होनी चाहिए, वरना तो हुई ना, ठीक है ना। चलो अब मैं लेस्टर के पास भी जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम था मुझे उसके पास, और मेरी गाड़ियाँ जो दोस्तों है आज ही मुझे जो है यहाँ पर डिलीवरी मिलने वाली मेरी कार्स की, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों एक्साइटमेंट तो हो रही है यार मेरे मन के अंदर भी। आपके अंदर कितनी हो रही है एक बार प्लीज़ कमेंट करके दोस्तों ज़रूर से बताइए। ऑलराइट गाइस अभी यार मैंने जो है लेस्टर से बात तो कर ली है, फिलहाल लेस्टर ने मुझे वहाँ पर बुलाया था, फिर मैंने सोचा यार अब वो ना वहाँ पर जाना पड़ता, मैंने पहले भूल गया था, मैंने कहा घर में थोड़ी ना जाना है उसके, वहाँ बंकर जाना पड़ता है इतनी दूर, तो मैंने फ़ोन पर पूछ लिया भाई क्या बात है। तो ये कह रहा है जहाँ पर वो है ना दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ का स्ट्रिप क्लब है, उसके पीछे एक एरिया है, वहाँ पर ना लॉस्ट गैंग के बंदों ने ना कोई बेस बनाया, जाकर देख ले कहीं वो कोई वो तो नहीं कर रहे, मतलब कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे तेरे खिलाफ, या कुछ शहर में कुछ बड़ा धमाके करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। राइट गाइस हम आ तो गए हैं यार लॉस्ट गैंग के बंदों ने, यार ये क्या कर दिया यहाँ पर, इस जगह का तो हुलिया ही चेंज कर दिया। चलते हैं इनके पास, ओके ओ आराम आराम से आराम आराम से। ओ भाई साहब इन्होंने यार ये क्या कर दिया इस लोकेशन का, तो रास्ता ही बिगाड़ दिया इन लोगों ने। ओके बंदे खड़े हैं भाई साहब, मैं इनसे ज़्यादा पूछने की भाई वो भी नहीं कर सके गाइस, अगर मैं यहाँ पर इनसे ज़्यादा कुछ पूछने की कोशिश करूँगा तो फिर भाई तुम्हें पता है बस यहाँ पर क्या सीन होगा। आराम आराम से चलते हैं, पहले तो मैं अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ रहा हूँ 47 को। चलो पहले प्यार प्यार से चलता हूँ, देख लूँगा भाई पहले क्या हो गया, अगर हाथ में गन लेकर जा रहा हूँ ना। ओके तो यहाँ पर गाड़ी ठीक हो रही है, सही है भाई, यही काम करने के लिए तो इन्होंने लोकेशन ली है। ऐसे ऐसे बस क्या बोलूँ यार मैं इसको भी। अच्छा और क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर भी बना रखा है क्या बेटो, ऊपर भी बना दिया। क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा जी अच्छा अच्छा लॉस्ट गैंग के बंदो ये सब करने लग गए हो क्या, अब इन्हें बताना पड़ेगा इनका बाप कौन है। निकलो निकलो, अगर नहीं मर पिटना चाहते तो निकलो निकलो, चलो निकलो, ये करेंगे लॉस सैंटोस पर कब्जा, तो बाप का राज है इनके। अच्छा जी हट तुम्हारी, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला जो भी लॉस्ट गैंग के साथ है।
कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी। तेरी ऐसे भूतनी के, ये ऐसे ऐसे गलत काम करोगे तुम यहाँ पर। इतनी सारी बोतलें रखी थी ये कांच की, सबको तोड़ दूंगा। हट तेरी, ये भी गया। ये भी गया। बाकी यार ये बंदे कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा खतरनाक नहीं बनते जा रहे दिन प्रतिदिन? यहाँ भी बेस बना लिया भाई, ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं ये बंदे। बताओ क्या करता है, जो लॉस सैंटोस के नौजवान लड़के हैं ना, ऐसे ऐसे बंदों को पकड़ते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जैसे जिमी, ऐसे ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं और पकड़ के बस क्या ही बोलूँ यार मैं, उन्हें बांटते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, बस क्या बोलूँ। इनकी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये चलाएंगे गाड़ियाँ, तो बाप कर आ जाएंगे गाड़ी चलाने का। हट तेरी ऐसी जैसी, चलो बैठो अपनी लैम्बोर्गिनी में। पता नहीं भाई शहर के अंदर इन्होंने ना भाई बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है, ये लॉस्ट गैंग के बंदे जो है ना ये। बस चलो आराम आराम से निकाल लो भाई, लोकेशन का पता नहीं क्या हाल बना रखा था इन लोगों ने। चलो देख रहे हो तू कौन है? अच्छा मुझे लगा शायद भाई ये भी वही होने वाली है। चलो फायर ब्रिगेड तो दोस्तों आ गई, पता नहीं यार चलते हैं यहाँ से। चलो इधर से ही रास्ता है। तो गाइस फिलहाल अभी मैं ग्रूव स्ट्रीट मीट पर जा रहा हूँ, और यहाँ पर फ्रैंकलिन ने बताया था शहर की बहुत मॉडिफाइड कार्स आने वाली हैं, जहाँ पर उसका गैराज है वहाँ पर। तो गाइस मैं यहाँ पर इसलिए आ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी वो हो जाएगी ना, आई मीन यहाँ पर कार्स वगैरह जो आती है इन्हें देख कर एक बार। भाई साहब हैं गाड़ियाँ तो हैं, ट्रेसी, अबे यार ये ट्रेसी नहीं सुधरेगी, ट्रेसी नहीं सुधरेगी दोस्तों। ये क्या करने आ गई यहाँ पर, लगता है किसी अपने फ्रेंड वगैरह के साथ आई दोस्तों यहाँ पर ट्रेसी। भाई साहब ट्रेसी शर्म तो नहीं आ रही होगी, पापा जी के सामने क्या कर रही है? आ रही है शर्म, आ रही है शर्म तुझे, आ रही है क्या? सीधी ना घर भाग जाना यहाँ से वरना बहुत मारूंगा। तो गाइज ट्रेसी जा चुकी है यार, पता नहीं यार यहाँ पर ऐसे ऐसे बंदों के साथ गाइज आ जाएगी यहाँ पर ही। भाई साहब ये तो वही लड़की है ना जो भाई जिमी की वाइफ बनने वाली थी वो बहुत टाइम पहले, ये तो गाइज वही लड़की है। देखो यहाँ पर आके क्या गुलछर्रे उड़ा रही है, इसीलिए तो भाई इसको हमने अपने घर की बहू नहीं बनाया, वरना दोस्तों अगर इसको अपने घर की हम बहू बना लेते हैं ना तो भाई हम जिंदगी भर पछताते हमने किस लड़की को अपने घर की यहाँ पर बहू बना लिया है। भाई साहब देख रहे हो क्या कर रही है यहाँ पर आकर। चलो तो गाइज यहाँ पर कुछ कार्स आई हुई है, गाड़ियाँ देखना है, फालतू चीज़ें नहीं करना है। चलो काफ़ी सही लग रही है यार ये भी बहुत अच्छी लग रही है, इन गाड़ियों को फुली मॉडिफाइड करा रखा। मैडम जी अपनी लात साइड कर सकती हैं आप, मुझे गाड़ी देखनी है, पता नहीं कौन सा डांस दिखा रही हैं। चलो ये अच्छी लग रही है दोस्तों कार, ये भी अच्छी लग रही है बेसिकली कार तो गाइज, बट ओके। और यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी रखे हैं यार, क्या बात है इतने सारे पैसे। और ये गाड़ी की फ़ोटो वगैरह खींची जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ बाइक्स हैं दोस्तों जो कि इनकी हैं। इन लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, बाइकर गैंग वाले जो है ना बहुत गुस्सा चढ़ता है इन पे, बस मेरा खून फूक जाता है इन्हें देखते ही। अब खून जब फूकता है ना पता मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी ऐसी तैसी, लॉस्ट गैंग के बंदो तुम्हें ही मारूंगा बस मैं, और किसी को कुछ नहीं कहूँगा मैं, तुम्हें ही मारूंगा। मोहतरमा जी निकल लो, निकलो निकलो, मुझे इन्हें ही मारने में मज़ा आता है, इन्हीं की बाइक है ना है तुम्हारी, लो चला लो बाइक है। अबे भाई मेरे ऊपर ही गिर गई बाइक तो, चलो सही है निकल लो। अच्छा ये आ गए बैलाज, ठीक है आओ। अच्छा अब यार इससे तो एक ही बंदा मरेगा दोस्तों, मुझे यहाँ पर कोई दूसरी गन चाहिए, ठीक है। ओके
सही है सही है। तेरी ऐसी तैसी मेरी गाड़ी का कवर ले, कवर भी मेरी गाड़ी का ले रहा है, बैलेंस भी आ गया। ये तो अपने एरिया को पता नहीं क्या समझते हैं कि हमारे एरिया में तो कोई आ सकता है, इनके बाप का एरिया है जैसे। आओ आ जा लड़, तुम बनोगे लड़ने वाले, आओ लड़ो। आए बड़े, अच्छा होगा इस, मैंने ट्रेसी को यहाँ से पहले ही भगा दिया था क्योंकि मुझे पता था मैं ऐसा हंगामा यहाँ पर करूँगा तो भाई ट्रेसी बिटिया गाइस डर जाएगी। आओ तुम्हें तो मैं अपनी गाड़ी से ही देख लूँगा। साइडों पे किया सेल्टोस, रुक जाओ तुम। जो गाड़ी का ड्राइवर था उसके भी लग गई क्या, हट तुम्हारी। आओ ना अब आओ। अच्छा अभी उधर और भी खड़े हैं दोस्तों, अभी तो और भी खड़े हैं, रुक जाओ आता हूँ। देख कमर की हड्डी तक तोड़ दूंगी। आ जाओ, ओ भाई साहब पीछे से क्या करूँ इनका। आ बेटे आ, कहाँ भाग रहा है। किसी को ही नहीं बचेगा, जो भी इनके एरिया में ना वो मरेगा, हर बंदा मरेगा। हट तेरी भाई, कुत्ते के देख रहे हो कैसे गोल लगी, हर कोई मरेगा। हर कोई मरेगा, कोई नहीं बचेगा। तू मोटन के इलाके में करी क्या रहा था। ओके चल तेरी, देख रहे हो गाइस ऐसे ही तो मारना होता है यार ये बंदे ना, वरना सुधरने वाले नहीं है, बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं है यार ये बंदे। इनके ऐसे बंदे कभी जिंदगी में सुधर भी नहीं सकते। खड़ा एक, अबे यार चलो चलो चल रहे हैं। इनकी ऐसी तैसी, ये तो भाई ऐसे ही करते रहेंगे। अपनी दोस्तों आज गाड़ियां भी आने वाली हैं। इस कार मीट पे आया था, खैर इस कार मीट पे आने का दोस्तों यहाँ पर कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, पर खैर कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें तो गाइज होती रहती है ना। खे ओके ओके, तो गाइज फिलहाल यार यार इन बंदों ने कुछ ज़्यादा ही दोस्तों नाक में दम कर दिया है फिलहाल तो। चलो सबसे पहले तो गाड़ी एक वॉश करा लेता हूँ, कार वॉश। तो गाइज अभी यहाँ पर मेरे पास जो है यहाँ पर उसका फ़ोन आया है सिमियन का, आपको बताऊंगा सिमियन का यहाँ पर वो पीडीएम है दोस्तों, प्रीमियम डुलिक्स मोटर स्पोर्ट जो उसका भाई शॉप है। तो गाइस वहाँ पर जो है लॉस्ट गैंग के बंदों ने दोस्तों यहाँ पर जो है भाई वो कर लिया है, कब्जा कर लिया है। और वो कह रहा है भाई यार माइकल तेरे एक सहारा है भाई, प्लीज़ यार उनसे वो खाली करवा दे, प्लीज़ खाली करवा दे, प्लीज़ खाली करवा दे। अब यार दोस्तों यार मैं भी यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदों से खाली तो कराना पड़ेगा यार। इनका शहर के अंदर भाई बहुत ज़्यादा उभरता जा रहा है, सबका समझे अभी वहाँ पर भी थे, इतने गैंग बंदे हैं ना यार ये, क्या बताऊँ यार क्या बताऊँ यार मैं क्या बताऊँ यार। कोई नहीं अभी पहले गाड़ी लेकर चलता हूँ वहाँ पर, अपनी गाड़ी कैसी लग रही है एकदम मस्त। चलो आराम से चलते हैं, देखता हूँ यार सिमियन की शॉप पर क्या गुल खिलाया इन लोगों ने, जाकर तो देखना पड़ेगा, आखिरकार दोस्त की दुकान है यार। ओके हाँ इनकी तो बाप की बाइक से है ना ये, देख खड़ा हो गया देखते ही। अच्छा बी अवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है बाइकें ही बाइकें लगा दी हर जगह। हाँ इनके तो बाप का राज नहीं है, पार्टी चल रही है। अच्छा पीछे से बंद कर दिया बेचारे का शटर, यहाँ पे पार्टी चल रही है। अच्छा अच्छा जी पार्टी चल रही है। और देखिए सिमियन के अंदर शोरूम में क्या हो रहा है अंदर। अच्छा हर जगह तो लड़की है, लड़की बुला ली, ठीक है सही है ठीक है। हाँ लड़की बुला ली हर जगह। लॉस्ट गैंग के बंदे जो है ना दोस्तों, द लॉस्ट
बाइक्स देख रहे हो, बाइक ही बाइक। और ये कुत्ता भी ले आया अपना, और ये हाय लड़की बुला ली। अच्छा यहाँ पर अपना नाम का दरवाजा भी लगा दे। बेचारा सिमियन रो रहा है, रो रो के मुझे फ़ोन कर रहा है कि भाई माइकल दादा यार तू ही है और तू ही बचा सकता है मुझे। ये बंदे देख लो यार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हो क्या कर रहे हैं। देखो निपटना तो एक एक से पड़ेगा दोस्तों। चलो तुम्हारी ऐसी तैसी भूतनी वालों, ऐसे नहीं बचोगे तुम। हट तुम्हारी, देख रहे हो। चलो निकल लो यहां से। सही है, एक आध दिव्य अगर गाड़ी बची होगी ना टूट फूट जाएगी भाई। सही है, चलो सही है, सही है, अब तो सही है। बहुत इनका बहुत नुकसान हो गया, देख रहे हो बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अब भले ही मेरे दुश्मन नहीं है पर भाई देखो यहाँ पर हमें हमारी दोस्त का मदद करना भी तो देखो दोस्तों हमारा ही फ़र्ज़ है ना। सही है, ये लॉस्ट गैंग के बंदों दोस्तों बहुत ज़्यादा सिर उठा रखा है। ये ऐसे ही मानेंगे दोस्तों, जब मैं इनके पीछे पड़ा रहूँगा ना और मारता रहूँगा इन्हें, ऐसे ही मानेंगे। भाई साहब यहाँ पर भी कब्ज़ा कर लेते इसके बाप का राज है, लॉस्ट गैंग के बंदों के। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार, दूसरों की चीज़ों को बिल्कुल अपना समझते हैं, बिल्कुल अपना समझते हैं भाई दूसरों की चीज़ों को। जैसे कि इनके बाप इनके लिए छोड़ कर गया ना यहाँ पर, पता नहीं कैसे कैसे बंदे हैं। ऐसे ऐसे बंदों की वजह से दोस्तों शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखो तुम्हारा भाई तो मेन सिद्धि भाई यहाँ पर बात करता है, इन्हीं के बंदों जैसों की बंदों की बढ़ती जा रही है। चलो चलो तो गाइस अब यहाँ पर हमें जो एयरपोर्ट भी चलना है आज तुम्हारे भाई के यहाँ पर दोस्तों कार्स वगैरह भी आने वाली हैं। चलो अब जल्दी से चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर किसी का फ़ोन फान ना आ जाए यार। लॉस्ट गैंग बंदों ने आज तो पहले भाई यहाँ पर मेरे को लेस्टर ने भेजा, अब यहाँ पर सिमियन की दुकान पर शो कर ली, फिर वहाँ कारमीट पर गया, वहाँ भी मिल गए, तीन तीन जगह मिल गए आज भाई साहब। ये आज मेरा खून ना दोस्तों बहुत ज़्यादा खोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा खोल रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या कर सकता हूँ बस भाई, मैं गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्या। ऑलराइट दोस्तों तो यार फिलहाल तो यहाँ पर आप सभी लोग सोच रहे होंगे अभी तो आरिश भाई आप एयरपोर्ट जाने वाले थे अचानक से ये कहाँ गए। गाइज मेरी AK-47 तो मेरे एयरपोर्ट पर ही खड़ी है, मैं सीधा वहाँ से जो दोस्तों यहाँ पर टैक्सी में आया हूँ। और फिलहाल गाइज यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, सामने जो लॉस्ट गैंग के बंदे हैं भाई उन्होंने अपना दोस्तों ये जो क्लब है दोस्तों पूरा का पूरा इन्हेंस कर दिया। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये देख रहे हो भाई अंदर, भाई देख रहे हो कहाँ कहाँ भाई बंदे खड़े हैं, भाई कहाँ कहाँ बंदे खड़े हैं, देख रहे हो कहाँ कहाँ बंदे खड़े हैं। और भाई यहाँ पर लेस्टर का ये कहना है कि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारा पैसा लाकर रख रखा है, कहीं से चोरी कर कर लेकर आए हैं, तब इन्होंने इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रख ली अंदर की। और दोस्तों अंदर ना पुलिस वुलिस वालों को भी ये है ना अपना अपने साथ बिठाने लग गए हैं। मेरे वेट, लेट मी जस्ट शो यू, शायद अगर दिख सके यहाँ से, वो देखो पुलिस वाले बैठे हैं देखो दोस्तों इनके साथ। तो गाइस ये पुलिस वालों से भी यहाँ पर दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और पुलिस वालों को भी यहाँ पर दोस्तों जब ये पैसा वैसा देंगे तो भाई वो तो इनकी तरफ हो ही जाएंगे। ठीक है ना, तो गाइस आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइए क्या हमें यार इस वाले बेस पे जो है अटैक मारना चाहिए नहीं, बिकॉज अभी यहाँ पर मैं एक टैक्सी ड्राइवर बनता हूँ। ठीक है, और आराम से आगे पीछे घूमूंगा इनके, देखता हूँ ना क्या होता है क्या नहीं। चलो Perfect timing. I got a customer for you right now. Sure, I'll take that one. Chalo. Cancel that. Something came up. Chalo, chalo, chalo. Sahi, aaram se. Baki guys, aap sab log yahan par dekh pa rahe hain. Main aapko drone chala ke dikhane ki koshish karunga. Theek hai? To ruk jao dosto. 3, 2, 1. To guys, drone ud chuka hai. Theek hai, main aapko idhar lekar chalta hu andar. Bhai sahab, dekh rahe ho? देख रहे हो क्या भाई, बंदे मार रखे हैं उन्होंने। ओ भाई साहब, भाई घर तो देख लो कितने कितने हैं, ये देखो पुलिस वाले बिठा रखे हैं उन्होंने अपने साथ, देख रहे हो पुलिस वाले भाई इनकी उसी में हो गए चक्कर में।
ये देखो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, पुलिस भी इनकी तरफ ही है। और ये पीछे भी इतनी भयंकर भयंकर लोकेशन है। और इनके भाई ये वाले बेस ना इनका बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई ये क्लब ना इनका दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर से बताना, ठीक है। बाकी खैर गाइस कोई बात नहीं यार, इनका तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे ही, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर कल इनकी ऐसी तैसी करेंगे दोस्तों पूरी प्लानिंग के साथ, है ना। पर कल मैं अकेला नहीं आऊँगा दोस्तों, कल मैं ट्रेवर को लेकर आऊँगा। ट्रेवर भी इनका बहुत बड़ा वाला दुश्मन है, ट्रेवर को भी इनके ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो भाई ट्रेवर तो भाई, अबे यार सर जी आप चुप हो जाओ, फालतू मत बोलो, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे। तो गाइस ट्रेवर तो इनका बहुत बड़ा दुश्मन है, तो भाई ट्रेवर को यहाँ पर लेकर आऊँगा। ट्रेवर भाई इनकी ऐसी तैसी पुंगी बजाएगा दोस्तों यहाँ पर कल आने के बाद, है ना। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके भाई ज़रूर से बताना अपने भाई को, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से चलते हैं दोस्तों एयरपोर्ट की ओर, और एयरपोर्ट पर चलने के बाद हम फटाफट दोस्तों यहाँ पर उठाकर लाते हैं सामान वगैरह। मज़ा आने वाला है आज तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। ऑलराइट गाइस फिलहाल यार मैं एयरपोर्ट तो पहुँच गया हूँ, बट यहाँ पर जो वो गाड़ी वगैरह आने वाली जो फ्लाइट है अभी जो है एक घंटा है विसाने में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आती तो यहाँ पर हम वेट ही कर लेंगे। मेरी K-47 फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है पीछे खड़ी करवा दी है। मैंने कहा अभी उसे बाहर निकालना जरूरी से ठीक भी नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे पीछे पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ सीधा अपना इसी से चलता हूँ टैक्सी से। क्या ही हो गया है ना, मेरी कौन सा टैक्सी है, अगर टूट भी गई तो क्या हो जाएगा। और वैसे टैक्सी पर दोस्तों यहाँ पर कोई यकीन भी नहीं करता। नो आई डोंट वांट टू पिकअप। चलो डिस्पैच स्क्रैच दैट, आई एम गोइंग ऑफ ड्यूटी। चलो क्या सही है भाई, मज़ा आ रहा है दोस्तों। बाकी अभी अपनी गाड़ियाँ दोस्तों आई नहीं है, अपनी इंडियन कार्स यहाँ पर आने वाली हैं। और दोस्तों आप सभी एक बार कमेंट करके बताना क्या मुझे इनके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन परचेज करनी चाहिए, या फिर इनको अपने घर में ही दोस्तों गाड़ियों को वगैरह को जो है भाई खड़ा करना चाहिए। कार्गो से आ रही है भाई आज कार्स, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओ सर जी आगे चले जाओ, चलो निकल लो यहाँ से। उसके अंदर ठोकेगी क्या, अभी गुस्सा आ जाता मुझे अगर सर जी अगर उसके अंदर ठोक देते आप। हाँ नहीं तो बस थोड़ा सा चलो दोस्तों इंतज़ार करते हैं। अभी रनवे पे भाई कब आएगी गाड़ी, कब आएगी कब आएगी। रनवे तो आ गया है भाई, मैं पीछे खड़ा होकर B4 है, दो ही रनवे है यार इस पर। चलो देखते हैं भाई कब आती है, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। ऑलराइट गाइस एज अ लॉन्ग टाइम के बाद भाई यहाँ पर 2 घंटे वेट करना पड़ा है। 1 घंटा बोला था और 2 घंटे दोस्तों लिटरली भाई 2 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ा। बट अपनी सारी की सारी दोस्तों कार्स वगैरह यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर है अपनी भाई ह्यूंडई की वेन्यू खड़ी है भाई दोस्तों, अपनी किया की कार्निवल है, ठीक है। सुजुकी की दोस्तों स्विफ्ट है, सुजुकी की ब्रेजा है, ह्यूंडई की क्रेटा है, ह्यूंडई की ग्रैंड आइटन नियोस है, ठीक है। टाटा की हैरियर है, सफारी है, हैरियर है, हैरियर है, टाटा हैरियर, टाटा सफारी आएगी। महिंद्रा की थार है दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो S11 वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं दोस्तों जल्द से जल्द आने वाली हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये वाली कार्स नहीं आई हैं, ठीक है। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, होंडा सिटी है और यहाँ पर टाटा सफारी है, जी हाँ सफारी भी है दोस्तों, है। और होंडा की सिविक है और ह्यूंडई की वेन्यू है। किया की सेल्टॉस जो है दोस्तों बहुत जल्दी किया की सेल्टॉस आने वाली है, और किया की कार्निवल तो आ चुकी है, किया की सेल्टॉस आने वाली है। और जितनी भी दोस्तों गाड़ियाँ हैं सारी की सारी दोस्तों यहाँ पर आ चुकी हैं। बाकी आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि फिलहाल मैंने इंडियन गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर मंगा ली हैं। और ये स्टॉक मैं कहाँ पर रखूँगा वो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आप सभी एक बार कॉमेंट करके बताइए यहाँ पर जो मैं इंडियन कार्स शोरूम खोलने वाला हूँ दोस्तों उसका मैं यहाँ पर बेसिकली नेम वगैरह यहाँ पर मुझे क्या रखना चाहिए, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके दोस्तों ज़रूर से बताइएगा अपने भाई को, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है दोस्तों। बाकी यार ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, स्टे होम स्टे से। बाकी यार मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इसी तरीके से खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, तब तक के लिए ख्याल रखिए खुश रहिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से आने वाले नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए खुश रहिए, बाय बाय।